दोस्तों, धरती ने अपना रफ्तार बढ़ा लिया है। क्या इसके पीछे किसी एलियंस का हाथ है? क्या धरती पर तबाही की शुरुआत हो चुकी है? जी हां दोस्तों, अभी भी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पहले की अपेक्षा धरती अपनी रफ्तार बहुत तेज कर ली है। अगर धरती की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो आने वाले वक्त में धरती पर बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बड़ी चेतावनी दी है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमें पढ़ाया और समझाया जाता है कि पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है। हमें अक्सर लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन इसके घूमने का सफर लगातार बना रहता है। धरती की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि ये सभी को स्थिर ही लगती है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी ने अपने घूमने की रफ्तार को बढ़ा दिया है। दरअसल पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन 29 जुलाई को पृथ्वी ने 24 घंटे से कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा किया है। बता दें कि 24 घंटे के रोटेशन में 1.59 मिलीसेकंड कम समय के साथ पृथ्वी ने यह चक्कर लगाया है। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी ने अपनी गति तेज कर दी है, यानी कि ये सूरज का चक्कर लगाने में कम समय ले रही है। इसके चलते आने वाले समय में बड़ा खतरा सामने आ सकता है। पृथ्वी के तेज रफ्तार में घूमने की घटना पहले भी हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1960 के बाद पृथ्वी ने साल 2020 में अपनी रफ्तार तेज कर ली है। उस वक्त साल 2020 में 19 जुलाई को सबसे छोटा दिन देखा गया था। तब पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर 24 घंटे से 1.47 मिलीसेकंड में खत्म किया था, जिसके बाद 2021 में पृथ्वी काफी तेज रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन 2021 में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया। वहीं साल 2022 में फिर एक नया रिकॉर्ड बना, जो अब सामने आया है। इसके अलावा अगर इसके कारणों की बात करें तो बताया गया है कि पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तनों के चलते संभव हो सकता है, जिसमें पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, महासागरों में हो रही हलचल या कोई अन्य प्रक्रिया जिम्मेदार हो सकती है। वहीं असल में ऐसा क्यों हुआ है, इसे लेकर वैज्ञानिक जाँच कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अगर पृथ्वी इस रफ्तार से चलती रही तो निगेटिव लीप सेकंड की भूमिका बढ़ जाएगी। इसे साधारण भाषा में समझे तो ये प्रोसेस कुछ सेकंड कम करने या फिर एटॉमिक क्लॉक का वक्त बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि पृथ्वी के रफ्तार के चलते समय बदलाव किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी का तेज रफ्तार से चलना खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इससे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सोलर सिस्टम के हिसाब से सेट होते हैं, और अगर समय में बदलाव होता है तो डिवाइस क्रैश हो सकते हैं और महत्वपूर्ण डाटा भी बर्बाद हो सकता है। बताते चलें कि इससे पहले भी पृथ्वी की तेज रफ्तार के चलते समय में बदलाव किया गया था, यानी समय बदलने के प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइम यानी कि कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम को पहले भी अपडेट किया गया था। खास बात यह है कि इस तरह से बार बार किया जाना धरती पर रह रहे सभी लोगों के लिए सही साबित नहीं होगा, बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि धरती धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।